हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओजीपेन डी टैबलेट के बारे में। इसके क्या यूजेस, डोज, क्या वर्क, क्या साइड इफेक्ट्स और क्या प्रिकॉशंस है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जो ओजीपेन डी टैबलेट है, ये ब्रोनिका गोल्डन बायोलॉजिकल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर की गई है। इसकी आपको एक स्टिक में 10 टैबलेट्स मिल जाएंगी, जिनका जो प्राइस है ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से 59.50 रुपीज़ में मिलेगी। और इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पेंटोप्राइजोल एंड डोमपेरिडोन जो कि 2 कॉम्पोजिशन इसमें पाए गए हैं। इसमें जो पेंटोप्राइजोल है वो 40 mg, सेकेंड डोमपेरिडोन वो 10 mg पाया गया है। फर्स्टली हम दोस्तों जानते हैं इसमें जो कॉम्पोजिशन पाए गए हैं उनका क्या वर्क है। इसमें जो पेंटाप्राइजोल है जे PPI मीनिंग प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग है, जो कि स्टमक में एसिड की सिक्रीशंस को कम करती है। सेकंड, इसमें जो डोमपेरिडोन है जो स्टमक एंड इंसेस्टाइन की मूवमेंट को बढ़ाता है, जिससे पेट में पड़ा खाना आगे बढ़ने लगता है और पेशेंट को उल्टी, इंडाइजेशन एंड हर्ट बर्न की जो प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। अब जानते हैं दोस्तों इस टैबलेट के क्या यूजेस है, जो किन कंडीशन में यूज़ की जाती है। जब किसी व्यक्ति में पेट में गैस बन गई हो, एसिडिटी हो गई हो, हर्ट बर्न की प्रॉब्लम हो रही है, मीनिंग सीने में जलन हो रही है, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। और अगर पेशेंट को खट्टी डकार आ रही है, बदहजमी हो गई है, या फिर पेट में ब्लॉटिंग हो रही है, या फिर ज़्यादा एसिडिटी बनने के कारण पेट दर्द हो रहा है, तो इन सारी समस्याओं में इस टैबलेट का यूज़ है वो किया जाता है। और अदर इसका यूज़ अगर पेशेंट के पेट में पेप्टिक अल्सर हो गई है, मीनिंग पेट में जख्म हो गए, तो उस कंडीशन में भी इस टैबलेट का यूज़ करते हैं। या फिर जब व्यक्ति एंटीबायोटिक या फिर एनेस्थेटिक कोई भी दवा लेता है, तो उस टाइम उसके गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर उन्हें ये टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। ओवरऑल दोस्तों, अगर आपके पेट में गैस बन गई है, एसिडिटी हो गई है, हर्ट बर्न हो गया है किसी भी प्रॉब्लम के कारण, तो उस कंडीशन में आप इस टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। डोज़ की बात करें तो डोज़ दोस्तों आपको ये जो टैबलेट है वो खाना खाने से पहले 1 घंटा पहले लेनी चाहिए। इसकी जो डोज़ है वो 1 टैबलेट डेली रहती है। आपको इसका जो यूज़ है वो 2 वीक्स तक ही करना चाहिए। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो उस कंडीशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब जानते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। साइड इफ़ेक्ट्स में जैसे अगर पेशेंट को ये टैबलेट लेने के बाद दस्त की प्रॉब्लम आ रही है, पेट दर्द हो रहा है, मुंह में सूखापन आ गया है, सिर दर्द हो रहा है, कमजोरी हो रही है, या फिर चक्कर आ रहे हैं, तो उस कंडीशन में इस टैबलेट को लेना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो दोस्तों, ये तो थी ओजीपेन डी टैबलेट के बारे में जानकारी। अगर मेरी वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा देना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।